हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ओरिएंटेशन क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल क्या है देख लेते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू पेग एट द कवर ऑफ ए स्क्वायर सेडेड ग्रास फील्ड ऑफ साइट 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, अभी निकालना हमें क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब बताया ये क्या है, ये एक फिगर है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक घोड़े का अगर रोप 5 मीटर है तो उसका क्या, इसका एरिया क्या है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया ये गया है कि अगर उस रोप को अगर 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, ये 10 सेंटीमीटर मान लो, तो फिर जो एरिया जो इंक्रीज होगा ना, वो एरिया कितना इंक्रीज होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले एरिया का, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट विथ 10 सेंटीमीटर रूप से, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले निकालेंगे नंबर 1 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विथ 5 मीटर रोप। ठीक है, 5 मीटर रोप से पहले निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, आप कितना है यहाँ पे, अब देखो थीटा, ये क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो ये 90 डिग्री होगा, तो थीटा हम 90 डिग्री डाल देंगे। बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया 3.14 लेना, तो 3.14 ही लेंगे। 3.14 इंटू 5 इंटू 5 आर स्क्वायर हो गया। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। इसी का एक नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, अब अगर रोप जो है ना 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाता है तो फिर पहले वाले में से डिफरेंस कितना रह जाएगा। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं 10 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट का, फिर वही लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विथ 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर है, ठीक है, तो मीटर कर देते हैं, मीटर रोप। अब फॉर्मूला वही फॉर्मूला दोबारा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा कितना है, थीटा वही रहेगा, सेम रहेगा, 360 इंटू पाई का वैल्यू 314, सिर्फ आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा 10 इंटू 10। ये हमारा आंसर आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब बताया गया था, क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, तो ये ग्रेजिंग एरिया जितना इंक्रीज हुआ ना वो हमें पता करना है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द इंक्रीज एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया लिख देते हैं, ग्रेजिंग एरिया इक्वल्स टू 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 इक्वल्स टू आ जाएगा 58.875 मीटर। है ना, कितना सिंपल। तो अगर आपका हम आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।